स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग एक टाइप का ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम प्लांट की ब्रीड करते हैं, मतलब प्लांट की जीन्स में मैनुपुलेशन करते हैं, उसे बोला जाता है प्लांट ब्रीडिंग। जिस तरह से हमने एनिमल्स के केस में उनकी मेटिंग करा करके दूसरे एनिमल्स के साथ हमने उनके डिसायरेबल जीन्स को टुगेदर लाने के लिए किया था और ताकि एक बेटर प्रोजेनी ऑब्टेन हो, सेम टू सेम टेक्निक्स का हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं प्लांट के केस में उनकी एक डिजायरेबल जीन्स या डिजायरेबल या स्टेबल करेक्टर्स को फॉर्म करने के लिए, तो इसे बोला जाता है प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग में ज़्यादातर टेक्निक्स अगर पुराने ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास अभी भी ज़्यादातर जो क्रॉप्स की वैरायटीज़ हैं, क्रॉप्स की वैरायटी हैं, वो ज़्यादातर क्रॉप्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं वो ज़्यादातर उसमें से डोमेस्टिकेटेड हैं। डोमेस्टिकेटेड मतलब है पुराने हैं, ठीक है, और हमारे पास उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का उतना ज़्यादा आसान साधन, मतलब एज अ केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करो फिर भी एक इंस्टेंट तक ही उसकी बढ़ सकती है, उसके बाद नहीं बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और या तो फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करो या बेटर लैंड्स का इस्तेमाल करो, बट ये ज़्यादा हमारे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो क्या किया जाएगी ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, तो हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं कुछ आज की जैसी टेक्निक्स का, जैसे क्लासिकल ब्रीडिंग्स जैसी टेक्निक्स का। क्लासिकल ब्रीडिंग में हम पहली बात तो उनकी जीन की मैनुपुलेशन कर देते हैं और एक डिज़ायरेबल ट्रेट्स या कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं ताकि जो प्लांट्स न्यू प्लांट ऑब्टेन हुआ है उसके पास दोनों की कैरेक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मेल है, एक क्रॉप है और दूसरा फीमेल क्रॉप है, अब एक मेल क्रॉप के एक क्रॉप में एक अच्छी वैरायटी में से उसकी एक ये खासियत है कि वो एक तरीके से स्ट्रेस बहुत सह सकता है, मतलब इन्वायरमेंट कितना भी ख़राब हो, ज़्यादा गर्मी भी पड़ जाए, ज़्यादा ठंडी भी पड़ जाए, तो वो उस कंडीशंस पे सरवाइव कर सकता है, एक ही चीज़ ये हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमारे पास जो यहीं पास है कि एक दूसरा प्लांट है जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी देता है, प्रोडक्शन रेट उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट्स को लेंगे, उनके डिजायरेबल ट्रेट्स या करेक्टर्स को ज्वाइन अप कर देंगे, यानी उनके बीच में मेटिंग करा देंगे। यहाँ भी एक तरह से जिसे उन इंसानों के केस या एनिमल के केस में मेटिंग कहा जाता है, बट यहाँ प्लांट के केस में ब्रीडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम इनकी ब्रीड्स की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, यानी इनके बीच में पॉलिनेशन करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन मेथड के थ्रू हमें एक डिजायरेबल प्लांट मिल जाएगा जिनमें दोनों का ही कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, यानी वो एक बेटर स्ट्रेस को भी सह सकता है और दूसरी बात वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छा देगा। तो ये होता है मेन ऑब्जेक्ट, मतलब एक तरीके से मेन तरीका प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग करने का। तो यहाँ हमारा एक लक्ष्य तो हमेशा हमें मालूम रहता है कि दैट प्लांट ब्रीडिंग करने से प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यू वेराइटीज़ के प्लांट्स ऑब्टेन हो जाते हैं जो कि एक नॉर्मल प्लांट की मुकाबले कम फर्टिलाइजर या कम केमिकल फर्टिलाइजेशन में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो अब बात करते हैं इसका एक बार फटाक से, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, वीडियो क्लियर है, एग्जैक्टली। तो अब हम बात करते हैं इसी में आगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जिससे प्लांट ब्रीडिंग को बढ़ाया जा सकता है, मतलब प्लांट ब्रीडिंग करने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए कि हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करें। हमें एक चीज़ हमेशा मालूम है कि प्लांट ब्रीडिंग या कोई भी ब्रीडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है, यील्ड बढ़ सके। तो एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा पहला ही कि इसमें हम यील्ड बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, यानी PRODUCTIVITY प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो हमारे पास क्लियर है। अब दूसरी चीज़ इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक चीज़ है कि हम उनकी एक तरह से स्ट्रेस रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, STRESS स्ट्रेस रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस रेजिस्टेंस को बढ़ाने का मतलब है कि हम उनकी पावर को इंक्रीज कर देते हैं
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस सह सके। मतलब स्ट्रेस सहने का मतलब है कि एक अच्छा खासा टेम्परेचर फॉलअप हुआ या फिर डिक्रीज हुआ तो मतलब ठंडी को भी सह सकते हैं बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, या सूखा पड़ गया यानी ड्राउट पड़ गया तो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएं। तो हम एक तरीके से हम उनकी स्ट्रेस कंडीशंस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ये आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है, ये सब करने के बाद स्ट्रेस बढ़ाने के बाद एक और ऑब्जेक्टिव रहता है कि इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करना ओवरऑल, ठीक है, रेजिस्टेंस एबिलिटी को इंक्रीज करना। अब ये रेजिस्टेंस किस चीज़ का है, ये रेजिस्टेंस है डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से बचने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज से खुद को वो कैसे बचा सकता है उसके लिए ये रेजिस्टेंस है। तो वो अपनी डिसीज या आसपास जो उनके आजू बाजू में बैक्टीरियाज फैल रहे हैं, डिसीजेस हो रही हैं, उन फंगल डिसीजेस, वो उनसे बच सके, तो ये रेजिस्टेंस के लिए हम मेनली करते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल हमारे पास जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की पैसा रहता है वो बचता है, ठीक है, इकोनॉमिकली। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। नेक्स्ट, यही इसी के हिसाब से मैंने बोला था इंसेक्ट से बचाने के लिए भी, INSECTS, इंसेक्ट से बचाने के लिए। क्यों इंसेक्ट से, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट पूरे फसल को बर्बाद करते हैं। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिसके कारण है ये हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को कैरी आउट करते हैं या प्लांट ब्रीडिंग या न्यू वेराइटीज की क्रॉप को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और उसके कारण ओवरऑल जो मैनेजमेंट कॉस्ट लगता है वो भी कम हो जाता है। तो ये हो जाएंगी कुछ हमारी ऑब्जेक्टिव्स। एक फटाक से इसका स्क्रीनशॉट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं।